बाइबल की कहानियों का नाट्य रूपांतरण है। हमने पवित्र बाइबल के सच के करीब रहने की पूरी कोशिश की है। कुछ दृश्यों में हिंसा है, इसलिए दर्शक विवेक से काम लें। कायनात की शुरुआत में परम पिता ने जन्नत और पृथ्वी बनाई। उस वक्त पृथ्वी का कोई आकार नहीं था और यहाँ हर जगह घना अंधेरा था। तब परमेश्वर ने कहा, दुनिया को रोशन करो, और हर तरफ रोशनी हो गई। और फिर दूसरे दिन परमेश्वर ने पानी को अलग किया तो समंदर और आसमान बने। उसके बाद तीसरे दिन परमात्मा ने धरती की रचना की और वहां पेड़, पौधे और फल भी बनाए। क्या हम कभी जमीन देख पाएंगे? हाँ, देखेंगे, हम जरूर देखेंगे। उसके अगले दिन उन्होंने आसमान में सूरज, चांद और सितारे बनाए। और फिर पांचवें दिन समंदर में रहने वाले जीवों की सृष्टि की, हवा बनाई। और छठे दिन जमीन पर रहने वाले जीव बनाए। और फिर उसने हमें बनाया जन्नत में रहने के लिए। लेकिन आदम और हव्वा ने प्रभु के आदेश के विरुद्ध वर्जित फल खा लिया और उस एक काम से उन दोनों को अच्छाई और बुराई का पता लग गया। और जब कैन ने एबल की हत्या की, प्रभु ने इंसान के भीतर की बुराई को देख लिया। गलत चुनाव और गलत फैसले, इसी वजह से ये सब हो रहा है। फिर परमात्मा ने पृथ्वी को शुद्ध करने का फैसला किया। प्रभु ने मुझे चेतावनी दी, कहा, एक बड़ी नाव बनाओ, ऐसी नाव जिसमें अपने परिवार और जानवरों की जान बचा सको, पर बाकी के सारे जीव मारे जाएंगे। और सातवें दिन प्रभु ने आराम किया। जब बाढ़ के पानी ने पूरी दुनिया को निगल लिया, तब नोआ के वारिसों के लिए एक नई शुरुआत हुई।
उन्हें इंसान और परमेश्वर के बीच अपने रिश्ते सुधारने का मौका मिला। ये है बाइबल। शुरुआत हो चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? दुनिया को बदलेंगे। और फिर एक देश और वहाँ के लोगों की सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था बन गई। आपका बस एक पिता है और वो जन्नत में रहता है। आपका बस एक शिक्षक है और वो है ईसा मसीह। उनकी कहानी से पता लगता है कि हम क्या हैं। अगर दिल में अच्छाई की भावना हो तो वो जरूर पूरी होती है मेरे जरिए। हम क्या चुनाव करते हैं? जिसे भी मेरे ऊपर विश्वास है उसकी मौत कभी नहीं होगी। हम कैसे रहते हैं? परमेश्वर के आशीर्वाद से गरीबों को जन्नत में जगह मिलेगी। हम कैसे प्यार करते हैं? और जो कमजोर हैं वो पृथ्वी पर ही रहेंगे। हम कैसे संघर्ष करते हैं और कैसे उससे उबरते हैं? अब किसी की मौत नहीं होगी, ना कहीं मातम होगा, दर्द और दुख भी नहीं रहेंगे। मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। इससे पहले कि करोड़ों लोग उनके ऊपर विश्वास करते, किसी एक को परमेश्वर की आवाज सुननी थी और उनमें आस्था रखनी थी। अब्राहम, अपना घर छोड़कर उस जगह पर जाओ जो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दे रहा हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम कई देशों के पिता बनोगे, और आसमान में जितने तारे हैं उतने ही तुम्हारे वारिस भी होंगे। सारा, प्रभु ने मुझसे बात की है, चलो मेरे साथ। लॉट, मेरे भतीजे, तुम भी हमारे साथ चलो। इब्राहिम, प्रभु ने खुद मुझसे बात की है, वो हमें हमारे नए घर तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमारा एक घर है। अच्छा, हमें शहर से दूर एक नई जगह पर जाना होगा अपने बच्चों की खातिर। लेकिन आपके तो बच्चे नहीं हैं और कभी होंगे भी नहीं। बच्चे होंगे, प्रभु ने कहा है हमारे इतने वारिस होंगे जितने आसमान में तारे हैं। उन्होंने खुद मुझसे कहा है, वादा किया है। सारा, मुझ पर भरोसा करो, भरोसा करो मुझ पर। लॉट, मेरे साथ चल रहे हो ना तुम? वो हमें अजूबों से भरी एक जगह पर ले जाएंगे। नहीं, नहीं, कमाल है। इस विश्वास के साथ कि वो एक महान देश के पिता बनेंगे, इब्राहिम अपने छोटे से कबीले के साथ उस जगह की ओर चल पड़े जो परमेश्वर ने उन्हें देने का वादा किया था। बताना पड़ेगा कि हमने क्या सोचा है। क्या हो रहा है यहाँ? ये हमारे खलिहानों पर कब्जा करना चाहते हैं। प्रभु ने हमें ये जगह सबके लिए दी है, तो उन्हें कहो ना कि हमें और जगह दे। बोलो ना। इब्राहिम, यहाँ जगह बहुत कम है और हमारी संख्या ज्यादा है। प्रभु हमें वो भी देंगे, भरोसा रखो। उस प्रभु पर जिसे हम देख भी नहीं सकते। अब हम साथ साथ नहीं चल सकते। नहीं,
हम अलग नहीं हो सकते। तो यहाँ रहकर भूखे मरे और अपने पतियों को घास के एक तिनके के लिए एक दूसरे की जान लेते दिखे। चाचा हम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन तुम कहाँ जाना चाहते हो? सोडम के पास वाले हरे भरे इलाके में। सोडम? मगर वो तो बड़ी खतरनाक जगह है। अपना ख्याल रखना। अपना कोई बच्चा नहीं होने की वजह से इब्राहिम लॉट को बेटी की तरह मानते थे। अगर अपने परिवार को साथ नहीं रख सकता तो फिर दूसरे लोगों को कैसे रख पाऊंगा? मदद करो, ये भी लॉट का एक साथी है। यहाँ आओ जल्दी। क्या हुआ था? मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाया, वो बहुत बड़ी संख्या में थे। और लॉट? जिंदा है लेकिन कैद में है। आ जा, मुझे पकड़ लो, आराम से इसका इलाज करो। हमारे साथ कुछ प्रशिक्षित लोग हैं। इब्राहिम पर आप लोग सैनिक नहीं हैं। मैंने ही उसे प्रभु में आस्था रखने को कहा था, मैं ही लॉट को यहाँ लेकर आया था। पर वो हमें छोड़कर चला गया, वो चले गए अपनी मर्जी की जगह पर रहने। वो मेरे परिवार के हैं, हमें उनकी मदद करनी होगी। प्रभु हमारा ख्याल रखेंगे। प्रभु रक्षा करेंगे। भर लोगों ने उतने लोगों का सामना किया है, प्रभु हमारे साथ है। इब्राहिम हमें सोडम जाना है,
लॉर्ड, तुम्हें बचाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान दी है। मेरे आदमी भी मारे गए। हमें साथ रहना चाहिए। नहीं नहीं इब्राहिम, हम नहीं रह सकते। हमारा भविष्य शहर में है। आप भी चलिए। हमें जाना ही होगा। चलो यहां से। जिसने हमें बनाया है उसने ही तारे भी बनाए हैं और वो मुझे उतने ही वारिस भी देंगे उस जगह को आबाद करने के लिए। उन्होंने वादा किया है तुम वहां जरूर नहीं बन पाऊंगी। नहीं बन सकती। नहीं बन सकती। अब मेरी उम्र नहीं रही। लेकिन आप पिता बन सकते हैं। वो हेगा, वो आपके बच्चे की मां बन सकती है। नहीं 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 से पकड़ो इस्माइल। सारा तुमने देखा ना, तुमने इसका निशाना देखा, मेरा बच्चा मेरा बेटा। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा। अपनी मां के साथ जाओ। एब्राहम।
स्वागत है प्रभु। आइए मेरे साथ आइए, पानी लाओ और मेहमानों के लिए खाना बनाओ। आप लोग बहुत दूर से आए हैं। हाँ, बहुत दूर से। इब्राहिम, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वहां। अगले साल सैरा एक बेटे को जन्म देगी। हंस क्यों रही हो? मैं कहां सी? तुम हंसी थी। जब तुम्हारा बेटा होगा तुम उसका नाम आइज़ैक रखना, उसका मतलब होता है हंसी। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया, अब हमें जाना होगा। मैं आपको रास्ता बता सकता हूं? आप लोग कहां जा रहे हो? सोडोम की किस्मत का फैसला करने। निकल जाओ यहां से। सॉडम भ्रष्ट हो गया है, पाप की नगरी बन गया है। मेरा भतीजा लॉट वहीं रहता है, उसका परिवार भी है। सॉडम के पाप का घड़ा भर चुका है, जो अपनी सीमा पार कर चुका है। तो आप लोग उसे खत्म कर देंगे, पूरे शहर को? लेकिन आप तो परमात्मा का रूप हैं, क्या आप बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों को भी खत्म कर देंगे? चलो अंदर चलो। बचा बचा, हमें बचा लो, बचा लो। अगर सोडम में 50 लोग अच्छे हुए तो क्या उनका अंजाम भी बुरे लोगों जैसा होगा? हमारी मदद करो भाई। हम उनकी परीक्षा लेंगे, अगर मेरे फरिश्तों को सोडम में 50 अच्छे लोग मिल गए तो मैं पूरे शहर को बख्श दूंगा। हमें बचा लो, हमारी मदद करो। वो लोग इधर गए हैं। मदद करो। अगर कम हुए, अगर 30 या 20 हुए, तब भी आप उन्हें माफ कर देंगे ना? बचा लो, मदद करो हमारी, मदद करो मेरे साथ। अगर सोडम में 10 लोग अच्छे हुए तो आप उन्हें नहीं बचाएंगे? लॉर्ड, तुम क्या कर रहे हो? कौन है ये लोग? इन्हें मुझसे बचाना होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगर मुझे 10 अच्छे लोग भी मिल गए तो मैं पूरे शहर को माफ कर दूंगा। इस तरह चलो, चलो जल्दी चलो, देर गए होंगे। चलो।
हट जाओ रास्ते से। हमें जाना होगा, चलो। इब्राहिम की वजह से प्रभु तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। रुक जाओ, चलो यहां से। तुम महफूज हो, इस शहर से चले जाओ, इस शहर को सजा मिलने वाली है। इस पाप नगरी को पलट कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना। लॉट की बीवी ने परमात्मा की बात नहीं मानी और नमक का पतला बन गई। लॉट अपनी बेटियों के साथ पहाड़ पर चला गया और फिर कभी इब्राहिम से नहीं मिला। वो कैसी है, कैसी है वो? निकली
इस्माइल अच्छा है। लगता है कि ऐसे की हर चीज उसके बेटे को मिलने वाली है। क्या मतलब है तुम्हारा? आपके बाद आपके कबीले का सरपरस्त कौन होगा? आसमान में चिमचिमाते तारों में पहला तारा कौन होगा? मेरा बेटा या उसका? सारा तुम इब्राहिम, इब्राहिम आप बताइए। यह परमेश्वर फैसला करेंगे। परमेश्वर ने भरोसा दिया कि उन्हें कुछ नहीं होगा। तब इब्राहिम ने हेगार और इश्मेल को बीहड़ों में भेज दिया। पिता बनाएंगे। कई साल के संघर्ष के बाद इब्राहिम ने भी जान लिया था कि परमेश्वर जिसे चुनता है उसे अपना आशीर्वाद तो देता है लेकिन उसकी परीक्षा भी लेता है। उसे बार बार अपनी आस्था साबित करनी पड़ती है। मेरी आस्था में कोई कमी रह गई है क्या? अच्छी तरह जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम भी चाहोगे कि वो खूब हट्टे हो। इब्राहिम
क्या बात है? परमेश्वर को कुर्बानी चाहिए। मेरे बेटे चलो मेरे साथ। पिताजी, हम लकड़ियां तो लाए हैं, लेकिन भेड़ कहाँ है? परमात्मा हमें वो भी देगा मेरे बच्चे। इब्राहिम, भेड़ ले गए क्या? नहीं ले गए। रखना होगा। कुर्बानी भेज दी। मेरे बच्चे, मेरे बेटे। नहीं,
अब्राहम उस कठिन परीक्षा में सफल रहे और फिर वो दिव्य देश के पिता बन गए। अब आगे की जिम्मेदारी आइजक के कंधों पर थी। उनका एक बेटा हुआ जेकब, मगर परमेश्वर ने उसे एक नया नाम दिया, इज़राइल। परमात्मा का ये वादा कि आसमान में जितने तारे हैं उतने वारिस होंगे, अब सच होने लगा था। But soon famine forces the Israelites far from the promised land to Egypt. Here they are enslaved by the Pharaoh. Over the next 400 years, Abraham and God become a distant memory. All his people reduced to beasts of burden. Except one. Moses. Next time on the Bible. You're not going to fight again. I can't refuse. He's Pharaoh's son. Fight me! I order you! You're not one of us. What's he talking about? You were born a slave. Your people are out there, Moses. The Israelites. Welcome to your new life, Moses! You are nothing now! I am the God of Abraham. I have seen the misery of my people. I am sending you to Pharaoh to bring them out of Egypt. Wait, please. Who are you? My name is Moses. Joshua. God has sent me to set you free. Why are you here, Moses? Let my people go. They're free to choose. Slavery or death. All my life, I have been Pharaoh's. I will never be a slave again. Joshua, God is with us. The angel of death is coming. Go and leave my land and take your wretched God with you. The Egyptians, they're here.